माता
भूख से तड़प रहे हैं। माँ ने माँ तो माँ होती है, जंगल की घास खोद करके एक रोटी बनाई इस देश का। दुर्भाग्य देखो, वो जो रोटी बनाई ना, उस रोटी को भी जंगली बिलाव हाथ से छीन करके भाग मारा। प्रताप ने अपनी आंखों से जब इस दृश्य को देखा तो इतना स्वाभिमानी व्यक्ति जो अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, अकबर ने ये कहा कि संधि प्रस्ताव भेज दे। आज वो महाराणा प्रताप जहां देशभक्त था, वहां अपने बालकों की इस अवस्था को देख करके टूट गया, हताश हो गया, निराश हो गया। और कहते हैं कि संधि प्रस्ताव जब अकबर के लिए लिखने के लिए लगा तो ये बेटी बड़ी बहादुर बेटी थी, अपने पिता के पास आई और देखा कि पिताजी अकबर के लिए संधि प्रस्ताव लिख रहे हैं, तो उस पिता के हाथ से उस लेखनी को छीन कर पत्थर पर मारा फेंक करके लेखनी टूट गई, जिससे कागज पर महाराणा प्रताप संधि पत्र लिख रहे थे, उस पत्र को फाड़ करके कई टुकड़ों में फेंक दिया और ये कह दिया, पिताजी जब तक इस शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, मैं अपने पिता के स्वाभिमान को टूटने नहीं दूंगी, झुकने नहीं दूंगी। पिता कहता है, बेटी जो पिता अपने बालकों का पालन पोषण ना कर सके, उसे जो है बालक पैदा करने का अधिकार भी नहीं है। तू मेरे सामने भूखी तड़प रही है, अरे 32 किलो मुझे मिल भी जाएंगे तो मैं उन 32 किलो का करूंगा क्या, जब मेरी संतान ही नहीं रही। बेटी कहती है, पिताजी जब तक इस तन में प्राण है, ये बेटी आपको अकबर के सामने झुकने नहीं देगी, हारने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी। और कह दिया था दाढ़ करके उस बहादुर बेटी ने, उस साहसी बेटी ने क्या,